देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए लोकसभा में पेश 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को केंद्र ने वापस ले लिया है। ये फैसला केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया है। जानकारी के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी की कुछ सिफारिशों के आधार पर नए बिल लाए जाएंगे। दरअसल सरकार ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को वापस ले लिया है। ये विधेयक 11 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले लाए गए थे। इसके बाद तीनों विधेयकों को संसद की चयन समिति के पास भेजा गया था। समिति को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में बिल पेश करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनका मकसद सजा नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। अब अगर बात करें कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या है, तो गंभीर अपराधों के मामले में आईपीसी की धाराएं लगाई जाती है। आईपीसी भारतीय नागरिकों के अपराधों की परिभाषा के साथ उसके लिए तय दंड को बताती है। सिविल लॉ और क्रिमिनल भी आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के तहत आते हैं। आईपीसी में 23 चैप्टर है और 511 धाराएं हैं। वही अगर बात करें सीआरपीसी की, तो इसका पूरा नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आमतौर पर थानों में मामले आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज होते हैं, लेकिन इनकी जांच में सीआरपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, तीनों बिलों के पेश होने के बाद काफी हंगामा भी हुआ था। विपक्षी दलों ने इस पर काफी बवाल काटा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद इन तीनों बिलों को वापस ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।